मेरी मजबूरी है। और राजनेताओं को तो जैसा खुश रखना पड़ता है हमें बोलना पड़ता है। आदरणीय हमारे राजस्थान के सेल चीफ बलराज सर, हमारे रीजन के सेल्स अधिकारी मोहम्मद यूसुफ सर और हमारे एरिया के सेल्स के एरिया मैनेजर अमित सर और मेरे सामने विराजमान सभी पत्रकार बंधु और मेरे सामने विराजमान छत्तीसी कौम के मेरे माते के सिरमौर, और धवई ट्रैक्टर्स भीलवाड़ा की तरफ से आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस काम के दौर में आप लोगों ने टाइम निकाला और धवई ट्रैक्टर्स का मान बढ़ाया। कंपनी के बारे में, फार्म ट्रक के बारे में हमारे आरबीएम साहब यूसुफ जी ने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले मैं धवई ट्रैक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में आप सभी किसान भाइयों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिला भीलवाड़ा में जब से हमारे धवई ट्रैक्टर्स की स्थापना हुई है हम 6000 ट्रैक्टर बेच चुके हैं। अब इन 14 सालों में 6000 ट्रैक्टर बेचना कोई आसान बात नहीं है, तो ये सब आप किसान भाइयों का प्यार है कि जो आप फार्म ट्रक को यहाँ पे अभी भी नंबर वन की पोजीशन पे बनाए हुए हैं। और आपसे मैं भीलवाड़ा जिले के किसान मिलन समारोह का आयोजन भीलवाड़ा में हमने किया है और पूरे जिले से जो हमारे किसान भाई है सबको आज हमने यहाँ बुलाया है। और इस आयोजन में जो हमारे फार्म टेक के नए प्रोडक्ट आए हैं जैसे 3600 एटम, फार्म टेक 50, उनके बारे में किसानों को जानकारी दी गई है। और आज इसमें डिलीवरी फंक्शन का भी प्रोग्राम था, तो हमने जो है उन किसान भाइयों को जिन्होंने आज ट्रैक्टर लेकर गए हैं, काफ़ी ट्रैक्टर हमने आज दिए हैं। और धवई ट्रैक्टर के डायरेक्टर होने के नाते किसान भाइयों से मैं हमेशा उनसे उनकी समस्या, किसी भी प्रकार का कोई भी उनके साथ कोई है उन किसान की समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा धवई ट्रैक्टर तैयार रहता है और किसान को बेस्ट प्रोडक्ट मिले, वाजिब रेट में मिले और सर्विस वगैरह सारी उस किसान को टो मिले, यही धवई ट्रैक्टर का उद्देश्य है। और इसीलिए आज हमने ये आयोजन किया। किसान भाई जय जवान जय किसान।